वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द एप्रोप्रिएट मेजरमेंट। एक किसी भी सामान के लिए जो निश्चित मेजरमेंट है उसे आपको सर्कल करना है। उसके नीचे उसकी मेजरमेंट, उसकी माप दी गई है, उसमें से जो सही हो वो आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट है कॉलीफ्लावर, तो यहाँ पे 500 मिलीग्राम दिया है, तो ये मिलीग्राम में इसका वेट नहीं होता, इसका वेट जो है वो ग्राम में हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 500 ग्राम। नेक्स्ट है बुक, बुक का वेट भी ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। बुक जो है 1 किलोग्राम की नहीं होगी, 1 किलोग्राम की हो भी सकती है लेकिन 400 किलोग्राम की नहीं होगी, तो इसलिए इसका वेट जो है वो 400 ग्राम होगा। नेक्स्ट, मिल्क 1 लीटर या 1 मिलीलीटर, तो मिल्क का वेट 1 मिलीलीटर इतने बड़े उसमें नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर। नेक्स्ट, पेंसिल जो है वो 12 सेंटीमीटर, वाटर बॉटल 25 लीटर। नेक्स्ट, रोप रस्सी है तो ये इतना ज़्यादा है, इसका मतलब है इसका 2 मीटर और 200 मीटर, तो ये 2 मीटर की है, 200 मीटर की नहीं है। नेक्स्ट, राइट ट्रू आर फॉल्स, लेंथ ऑफ डोर इज़ अबाउट 4 मीटर, डोर की लंबाई जो है वो लगभग 4 मीटर की होती है, ये फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट 2 लीटर, पानी के एक बूंद की कैपेसिटी ड्रॉप ऑफ वाटर कितना होगा 2 लीटर, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। वेट ऑफ एन एप्पल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम, एक एप्पल का वेट 600 ग्राम के आसपास लगभग हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। विड्थ ऑफ ए थंब इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर, विड्थ की थंब 1 सेंटीमीटर होगी, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीनिंगफुल, द वेट ऑफ बुक इज़ अबाउट 500 ग्राम, द वेट ऑफ बाइक इज़ अबाउट 200 किलोग्राम, द वेट ऑफ बिल्डिंग इज़ अबाउट, सॉरी, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ अबाउट 100 सेंटीमीटर, इज़ अ फॉल्स, तो क्या होगा 100 मीटर। द लेंथ ऑफ साड़ी इज़ अबाउट 5.5 किलोमीटर, इट इज़ अ फॉल्स, साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर हो सकती है, तो ये सही होगा। यू हैव टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज 8.4।